Let's do question number 25th of exercise 3F, that is factorization of polynomial. Question number 25th is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube minus 8. Right, friends? Ab dekhiye, a cube plus b cube. A cube plus b cube plus 3a. मैंने सिर्फ order change किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है. Minus 8. अब ये देखिए, अब ये क्या लिख सकते हैं? A का whole cube. ये क्या लिख सकते हैं? B का whole cube. Plus ये क्या लिख? इन दोनों में से क्या common निकल रहा है? 3ab common निकल रहा है. तो इसमें क्या बचा? A बचा. ये क्या बचा? Plus B बचा. Right friends? Minus 8. Right? Now अब देखिए. अब ये किसका फॉर्मूला होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. ये होता है हमारा a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला. राइट फ्रेंड्स, a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. तो यही टर्म यहां लिखी है, इसकी जगह मैंने a प्लस b का होल क्यूब लिखी है. माइनस 8. अब 8 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? हमने पहले भी पता है कि 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि 8 को हम 2 इनटू 2 इनटू 2 लिखते हैं, तो ये 2 का क्यूब हो जाता है. तो अब ये देखिए, ये पूरा a है, ये पूरा b है. तो a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. राइट फ्रेंड्स, अब ए की जगह तो हम ए प्लस बी लिखेंगे और बी की जगह हम टू लिखेंगे. राइट फ्रेंड्स, तो क्या आया? ए प्लस बी एज इट इज माइनस बी, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी दैट मीन्स ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर. राइट फ्रेंड्स, तो आप देखिए ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये आया a प्लस बी माइनस टू और ये आया a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2 2 4 इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.